हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि आने वाली है और उसके जस्ट एक दिन पहले ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की बधाइयाँ भी दे देती हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी हमारी प्रेगनेंसी रुकती है, जब भी हम कंसीव करते हैं एंड डॉक्टर सब कुछ बताते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ बीतता ही है, कि हमारे मन में एक सवाल आने लगता है कि क्या है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, क्या है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम बातें करने लगते हैं कि हाँ हमें जो भी चाहिए हम उससे ऐसी बातें करने लगते हैं। लड़का चाहिए तो तुम कब आओगे, जल्दी आओ, या फिर लड़की चाहिए तो उसके ऐसे बातें करने लगते हैं। मन में एक आ जाता है कि क्या अंदर है, गर्ल है बॉय है क्या है, और हम लगते हैं गूगल पे यूट्यूब पे जगह जगह ये सर्च करने की। आखिर रिपोर्ट जो आती है हमारी, अल्ट्रासाउंड होती है, लगते हैं उसमें देखने की अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ें आई हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हैं, तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। ये होता है, ये नॉर्मली होता है और ये सबके साथ होता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। देखिए, बच्चे दोनों अच्छे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों अच्छे लगते हैं और दोनों होने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बस मतलब इससे होता है। बट मैं एक चीज़ जो मैंने बहुत देखी अपनी प्रेगनेंसी में, और मेरे साथ ही मेरी तीन ऐसी मेरी हम तीन दोस्तें थीं जिनकी की साथ में ही प्रेगनेंसी है, आगे पीछे सिर्फ एक मंथ का ही अंतर है। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी 20 सितंबर को उसका बेबी हुआ है, और एक है जिसकी 25 सितंबर को हुआ है, और मेरा 10 नवंबर को हुआ है। तो मतलब ये आगे पीछे ही सबकी प्रेगनेंसी थी। एंड सब हम लोग अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो जब अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पहले ही एक चीज़ आती है, प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर इंटीरियर है। और मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि बहुत ऐसी जो भी लेडीज़ होंगी जिनको ये बहुत मतलब कि एक अंदर से एक्साइटमेंट होगी कि आखिर उनके अंदर क्या है, गर्ल है बॉय है, वो ये चीज़ ज़रूर सर्च करती होंगी कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर और इंटीरियर होने से क्या होता है, बेबी गर्ल होती है बेबी बॉय होता है। तो यही डाउट मैं आप लोग का क्लियर करने आई हूँ। देखिए, मेरा जो था, मैं अभी अपनी रिपोर्ट आप लोग के साथ दिखाऊंगी, छोटी सी इमेज आपको दिखा दूंगी कि मेरी रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा हुआ था। तो मेरी जो रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो था प्लेसेंटा पोस्टीरियर, ठीक है। एंड मेरी एक फ्रेंड और है जिसकी 20 सितंबर को डिलीवरी हुई थी, उसका भी प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, दोनों का प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। बट दोनों को क्या हुआ, ऐसा मैंने देखा है यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह मैंने देखा है। देखिए, हर कोई ये कहता है कि ये 100% सही नहीं होता है, बट मैंने ऐसा देखा एंड सुना है कि जो प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है वो बेबी बॉय होने की चांसेस होती है, ऐसा मैंने सुना है एंड यूट्यूब पे, गूगल पे देखा भी है। तो हम लोग बातें करते थे क्योंकि उसका भी प्लेसेंटा पोस्टीरियर ही था और उसने भी ये देखा सुना था, तो उसने वो भी मुझसे शेयर करती थी कि ऐसे यार लोग बातें करते हैं, मतलब एक लोग मुझसे कह रहे थे कि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है, ऐसी बातें हम लोग की होती थी। बट अब तो दोनों लोग के हो चुके हैं और दोनों लोग का रिज़ल्ट जो है वो सामने है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसको हुआ है बेबी बॉय और मुझे जो हुई है वो हुई है बेबी गर्ल। तो मैं आप लोग के साथ सिर्फ यही शेयर करने जाती हूँ कि इससे कुछ भी नहीं होता है, हमारे अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा पोस्टीरियर आ रहा है या इंटीरियर आ रहा है, इससे नहीं डिसाइड होता है कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। और हम झूठी ही मन में ये डाउट लेके पूरा अजम्पशन चला के पूरी प्रेगनेंसी अपनी निकाल दें कि अरे मेरा तो ये आया है तो मुझे यही होगा। ये डाउट मन में लाना ही नहीं कि हमें क्या होगा, बस जो हो वो स्वस्थ हो, अच्छे से हो, यही हमें सोचना चाहिए। तो सिर्फ यही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी इस वीडियो में कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर आपका है या इंटीरियर है, इससे बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। रिजल्ट सामने है, मेरी एक फ्रेंड का भी प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर था, उसे बेबी बॉय हुआ है, और मेरा भी पोस्टीरियर था और मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पोस्टीरियर और इंटीरियर से डिसाइड होता है कि जेंडर क्या है। तो बस यही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि जो लोग जिनकी प्रेगनेंसी अभी चल रही है, जिन्होंने कंसीव किया और वो भी अपना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि उनका प्लेसेंटा ये है तो उन्हें क्या होगा, और वो मन में एक अपना सोच के चल रहे हैं कि अरे मेरा ये है तो मुझे ये होगा, तो मैं उनका डाउट ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस जो हो वो अच्छा हो और स्वस्थ हो।